बट ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमें मिलता है चिल्ड्रन दिस इज फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज वेल एज अ बैलेंस शीट वॉट इट क्लियर बिकॉज आपने चैप्टर तो ऑलरेडी पढ़ा ही हुआ है तो रेशियो शब्द का मीनिंग तो सबको समझ में आ गया होगा तो रेशियो मैथमेटिकली इज अ रिलेशनशिप ऑफ टू और मोर वैल्यूज यू कैन से बट अकाउंटिंग रेशियोज की बात करें तो इट इज अगेन द सेम थिंग बट ये दो वैल्यूज जो आपको मिलती हैं दे आर रिसीव्ड फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सो रेशियो इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन आल्सो प्रपोर्शन आल्सो परसेंटेज आल्सो एज वेल एज नंबर ऑफ टाइम्स और ये दोनों वेरिएबल्स आपको कहां कहां से मिलेंगे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रेशियो की जरूरत क्या पड़ती है एक छोटे से एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं टेक एन एग्जांपल देयर इज अ कंपनी नोन एज टाटा एंड अदर इज मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड प्रोफिट इज गिवेन टू अस चिलेकाम्पल की टाटा का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज ट्वेंटी थाउजेंड करोड और मारुति का फोर्टी थाउजेंड करोड है तो दोनों में से बेटर कंपनी हमें ऑब्वियसली मारुती ही लग रही है टाटा का जो प्रॉफिट है चिल्ड्रेन इट इज टू थाउजेंड करोड और इनका जो प्रॉफिट इट इज फोर थाउजेंड करोड अगेन प्रॉफिट की ज्यादा वैल्यू आपको किसमें नजर आ रही है मारुती तो एवरी बडीवुड से सर मारुति ही बेटर है बट इन माई ओपिनियन बोथ आर परफॉर्मिंग एट इक्वल लेवल हाउ फोर थाउजेंड इज वॉट परसेंटेज ऑफ फोर्टी थाउजेंड द आंसर इज टेन परसेंट एंड टू थाउजेंड इज वॉट परसेंटेज ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड अगेन द आंसर इज टेन परसेंट तो दोनों की प्रोफिटेबिलिटी का जो रेशियो आ रहा है इट इज सेम चिल्ड्रेन दैट इज टेन परसेंट तो सेल देखने में और प्रॉफिट देखने में लग रहा है कि मारुति टर्न्स आउट टू बी बे बेटर देन टाटा बट रियालिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है बोथ आर परफॉर्मिंग एट द सेम इक्वल लेवल सच दिस फंडामेंटल लॉजिक इज अंडरस्टूड वेल आई सर तो क्यों हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं क्यों रेशियो का एनालिसिस करते हैं टू नो द एरियाज हैव मोर अटेंशन अब टाटा वाले जब कंपेयर करेंगे तो उनको पता लगेगा कि भाई हम तो पैसेंजर कार्स के साथ साथ हेवी कमर्शियल व्हीकल्स भी बनाते हैं ट्रक्स बसेस एंड ऑल दैट हमारे ऑफ शोर भी बहुत हैं तो हमारा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मारुति से ज्यादा होना चाहिए तो इन्हें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा अपनी सेल बढ़ाने पे और एक्सपेंसेस रिड्यूस करने पे देन दे शुड बी नोइंग द पोटेंशियल एरिया कहां पे ये इंप्रूवमेंट कर सकते हैं तो टाटा ने कैलकुलेट किया कि विद इन इंडिया हमारा प्रॉफिट परसेंटेज क्या है इन कंपेरिजन विद मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और ऑफ शोर बिजनेस जो हमारा फॉरन कंट्रीज से उससे हम कितना कमाते हैं तो पता लगा इनको कि भाई ऑफ शोर बिजनेस हमारा उतना अच्छा नहीं चल रहा है जैगवार लैंड जैसी कंपनी को खरीद लिया ताकि उसके वजह से इनका बिजनेस थोड़ा बेटर डेवलप हो जाए टू प्रोवाइड अ डीपर एनालिसिस ऑफ प्रोफिटेबिलिटी लिक्विडिटी सोलवेंसी एंड एफिशिय तो चलन प्रॉफिटेबिलिटी पता लगेगी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से लिक्विडिटी पता लगेगी लिक्विडिटी रेशियो से जिसका मतलब होता है शॉर्ट टर्म डेट पेइंग कैपेसिटी, सॉल्वेंसी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट पेइंग कैपेसिटी और एफिशिएंसी का मतलब हम अपने रिसोर्सेस को कितना बेटर यूज कर पा रहे हैं और इसके लिए आप जो रेशियोज यूज करते हैं चिल्ड्रन दे आर नोन एज एक्टिविटी और टर्न ओवर रेशियोज इतनी बातें सबको सुनाई पड़ी सर क्रॉस एनालिसिस क्या होता है ये सर कोई बायोलॉजी का टर्म लग रहा है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है डिराइव वहीं से हुआ है इसका मतलब कि आप अपनी कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ तो कंपेयर कर ही रहे हैं सेगमेंट के हिसाब से भी कंपेयर कर लीजिए कि आप अगर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में हैं और दूसरी कंपनी भी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में है आप जूस बेच रहे हैं वो भी जूस बेच रहे हैं तो आपके और उनकी सेल में विंटर्स में क्या इफेक्ट आता है एंड आफ्टर अगर पता लगे कि फूड इंडस्ट्री के मार्जिन पे चलती है बट आपकी फर्म एटी फाइव परसेंट कमा पा रही है तो कहां पे सो कॉल प्रॉब्लम हो रही है या तो हो सकता है आप रोमिटल महंगा खरीद रहे हो या तो हो सकता है कि आपकी सेल थोड़ी चीप वैल्यू पे हो रही हो इसलिए ज्यादा रेवेन्यू नहीं मिल रहा और आप चीजों को अच्छी प्राइस पे सेल नहीं कर पा रहे एंड ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम डिराइव कहां से करते हैं चिल्ड्रेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इसीलिए सही होना बहुत जरूरी है बिकॉज इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिया गया डेटा गोज रॉन्ग चिल्ड्रेन ऑटोमेटिकली सारा कंटेंट होलमोल हो जाएगा सो रेशियोज आर एक्सप्रेस हाउस क्लासिफिकेशन आपके सामने है चिल्ड्रेन जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बैलेंस शीट से उठाते हैं वी कॉल इट एज बैलेंस शीट रेशियोज वेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज टेकन फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ पीएल वी कॉल इट एज इनकम स्टेटमेंट रेशियोज या स्टेटमेंट ऑफ पीएल रेशियोज भी बोल लीजिए एक डेटा बैलेंस शीट से उठाया एक स्टेटमेंट ऑफ पीएल से चिल्ड्रन वी कॉल इट एज व्हाट इंटर स्टेटमेंट और कॉम्पोजिट रेशियो बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज मेंट बाय कॉम्पोजिट रेशियो

सो so, ये आपको रेशियो सारे नजर आ रहे हैं मैं आपको दो मिनट का टाइम दे रहा हूं और आप इन सारे रेशियोज की एक लिस्ट तैयार कर लीजिए चिल्ड्रेन वेरी क्विकली एक एक करके इन सब का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम करंट रेशियो का फॉर्मूला है चिल्ड्रन करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज एंड आइडियल रेशियो इज टू इज टू वन लिक्विड रेशियो फॉर्मूला इज क्विक असेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी एंड आइडियल रेशियो इज वन इज टू वन इज दट अंडरस्टूड वेल डेट इक्विटी चिल्ड्रन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन डिवाइडेड बाय शेयोल्डर फंड क्या क्या आएगा हम कंटेंट की बात इसके बात करेंगे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं सबका टोटल असेट टू डेट रेशियो चिल्ड्रन इट इज टोटल असेट डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स का लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एक्चुअली में ओके डेट टू टोटल असेट सेम फॉर्मूला है It's long term borrowings plus long term provisions divided by total assets. Logic is in CBSE, Students would be asked total asset to debt, and IC students would be asked debt to total asset. Proprietary ratio, children shareholder funds upon total assets. Debt to capital employed, long term borrowings plus long term provisions divided by capital employed. Look, many of us are interested, basically. लॉजिक समझ में आ गया सबको कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आएगा ये बात की बात है पहले सिंपली हम रेशियोज लिख लें सारे के सारे देन इंटरेस्ट कवरेज बिफोर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फॉर हंड्रेड से मल्टीप्लाई मत करिएगा वी वॉन्ट दिस आंसर इन टाइम्स और ये जितने भी रेशियोज इस कैटेगरी में है चिल्ड्रेन

टिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों जोड़ देंगे समझ में जरूरत नहीं मेरी आवाज इतनी है कि लोग सुनाई दे जाएगी लॉजिक समझ में आए क्योंकि कुछ लोग बीच में बोलेंगे तो गलत ही बकवास करेंगे तो लेट मी आंसर द करेक्ट थिंग्स आप अपने मन में बोलिए बीस डिबल से नीचे देन ऑपरेटिंग प्रोफिट रेशियो में चल रहे न्यूमरेटर आपका होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट रेशियो में न्यूमरेटर होगा नेट प्रॉफिट ईपीएस का मतलब अर्निंग पर शेयर कंपनी ने एक शेयर पे कितना पैसा कमाया ध्यान दीजिएगा कंपनी डिविडेंट तो लास्ट में पे करेगी सबसे पहले इंटरेस्ट देगी डिवेंचर होल्डर्स को उसके भी पहले डेप्रिसिएशन चार्ज होता है उसके बाद भारत सरकार के लिए प्रोविजन फॉर टैक्स बनता है उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स वील गेट दिस आंसर कि कंपनी ने एक शेयर पे कितना पैसा कमाया है खोपड़े में बात गई पीई इज प्राइस अर्निंग रेशियो लोगों को इसका फॉर्मूला याद होगा एनीबडी कैन आंसर दिस बताइए 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 मार्केट बताइए 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 अभी तो बहुत पटर पटर लोग बोल रहे थे मार्केट वैल्यू नहीं होता मार्केट प्राइस होता है बेसिकली हाँ मार्केट प्राइस अपॉन ईपीएस एमपीएस एम पी एस अपॉन ईपीएस सर पी एस पी एस को काट देते हैं एम अपऑन ई बना लेते हैं इंग्लिश नहीं है अकाउंटेंसी है ये एक एब्सोल्यूट नंबर आएगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं इट इज अगेन चिल्ड्रेन नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड होल मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड इन सारे रेशियोज में जो आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वैल्यूज लिखी उसको कैसे डिस्कवर करना है हम इसके बाद बात करेंगे पहले एक्टिविटी के फॉर्मूले कंप्लीट कर ले जरा हेयर चिल्ड्रन इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री टाइम्स में आंसर आएगा देन इट इज नेट क्रेडिट आर एफ ओ को डिवाइड करेंगे एवरेज Receivable से देर आफ्टर आप ट्रेड पेबल टर्न ओवर रेशियो के लिए नेट क्रेडिट परचेज को डिवाइड करेंगे एवरेज पेबल से नेट असेट्स टर्न ओवर एंड वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर सीबीएसई स्टूडेंट्स को थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है आईसी में मैटर ऑफ कंसर्न टू बी टेस्टेड नहीं है वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल रेशियो में स्टूडेंट्स को बड़ा प्रॉब्लम होता है

अब एकदम शांत हो गए नेट असेट्स टर्नओवर रेशियो बताइए बताइए दोनों के फॉर्मले बताइए इट इज नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल ये भी आंसर आएगा नंबर ऑफ टाइम्स में चलिए नेट असेट्स टर्नओवर रेशियो पता लगाइए यह है इट्स नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉड अगर आपको याद हो मैंने बात भी आपको बताई थी कि नाम इसका नेट असिट्स है बट इसका प्रैक्टिकली दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है तो दिस अस टू नो कि हमने जो अपने पैसे बिजनेस में लगवाए हैं शेयर होल्डर सेल्डर से उनके बेसिस पे हम सेल कितनी अच्छी कर पा रहे हैं खैर तो ये बातें सबको समझ में आ गई चलिए सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज दिस कि इन सब के अंदर जो कॉम्पोजिशन है वो आपको दो तरह से डिराइव करना पड़ेगा डायरेक्टली डेटा आपको दिया रहेगा बैलेंस शीट का आप उससे निकाल लेंगे इस इस्तेमाल करना है तो आई वु लाइक एवरीबडी टू प्लीज प्रिपेयर दिस स्टेटमेंट वंस अगेन मैं वैल्यूज के साथ एग्जाम्पल्स पोट कर रहा हूं टेक एन एग्जाम्पल दैट ग्रॉस सेल्स इज ट्वेंटी वन लैख आउट ऑफ दैट वन लाख का सेल रिटर्न हो गया द अमाउंट विच इज लेफ्ट इज नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ट्वेंटी लैख कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेवेंथ क्लास में पढ़ा था सबने ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक टेक एन एग्जाम्पल द वैल्यू इज फोर्टीन लाख रुपीज सो ग्रॉस प्रॉफिट जो आएगा दिस वुड बी सिक्स लाख ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की कैटेगरी में दो चीजें आती हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टेक एन एग्जाम्पल की टू लाख रुपीज है तो योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज फोर लाख अब आप अगर चिल्ड्रन एड करें इस फोर्टीन लाख रुपीज को एंड इस टू लाख रुपीज को वॉट इज फोर्टीन प्लस टू मेकिंग द टोटल एज सिक्सटीन लाख देर आफ्टर ,00 operating. Operating so, yes, आपको इंटरेस्ट मिलेगा रेंट मिलेगा डेविडेंट मिलेगा कमीशन रिसीव नॉन ऑपरेटिंग इनकम टेक एन एग्जाम्पल कीटिंग एक्सपेंसेज टेक एन एग्जाम्पल की सो फोर लैख प्लस वन लैख इज फाइव लैख माइनस सिक्सटी इज फोर लैख फोर्टी थाउजेंड Twenty thousand rupees is assumed to be the interest net profit before taxes four lakh twenty thousand. Take an example: ki twenty percent tax hai, toh ye eighty four thousand. Four twenty minus eighty four would be so called three lakh thirty six thousand. Transfer reserve, same That's why I'm not taking it. अगर आपको पूछा जाए अर्निंग पर शेयर तो आपको रिजर्व माइनस करना पड़ेगा मान लेते हैं कि सोलह हजार रुपए का रिजर्व था और चार हजार रुपए आपने रिजर्व में ट्रांसफर किया थ्री थर्टी सिक्स माइनस ट्वेंटी इज थ्री लैख सिक्सटीन थाउजेंड तो आपके जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं उसका सारा डेटा आप यहां से डिराइव करेंगे कुछ भी क्वेश्चन में दिया हो सीक्वेंसिंग ड्रॉ कर लीजिएगा सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको वहां पे आएगी जहां पे आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स बट आपको पहुंचना कहां तक है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तक और आपको टैक्स का परसेंटेज दे दिया जाएगा तो वील अज्यूम बिफोर टैक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी हंड्रेड ट्वेंटी परसेंट टैक्स हो गया तो आपका प्रॉफिट कितना हो एट्टी तो जो भी ये गिवेन अमाउंट ऑफ टैक्स है सॉरी नेट प्रॉफिट है दिस वुड बी डिवाइडेड बाई एट्टी या हंड्रेड माइनस जो भी रेट ऑफ टैक्स होगा होल मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड जब आप करेंगे तो यहां तक पहुंच जाएंगे इंटरेस्ट को एड बैक करेंगे तो यहां तक पहुंच जाएंगे आप कोई भी डेटा अनोन, आपको चाहिए जस्ट ड्रॉ दिस फॉर्मेट चिल्ड्रन फर्स्ट आइटम इज दिस सेकेंड ये आपका आंसर होगा थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवेन क्लास ट्वेल्थ में पढ़ते हैं तो बारह आइटम्स याद करते हैं तो ये ट्वेल्व आइटम्स की सीक्वेंसिंग आपको पता होनी चाहिए कैसा भी क्वेश्चन आए लेटली चलन कैसा भी यहां से सारा डेटा आपको पता लग जाएगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर दिया है फोर लाख ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है एड बैक कर दीजिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस को फोर एंड टू आंसर इज सिक्स लाख रुपीज कुछ भी आपको चाहिए होगा इसके डेरिवेशन से मिल जाएगा अपडेट दिस क्विकली सिमिलरली वी हैव द आइटम्स गिवेन इन बैलेंस शीट चल चिल्डर तो बैलेंस शीट का कॉम्पोजिशन भी आप एक बार रीड्रॉ कर लीजिए जरा रीड्रॉ दिल्ड्रन रीड्रॉ द कॉम्पोजिशन ऑफ बैलेंस शीट मैं यहां पे भी वैल्यूज लिख रहा हूं एज आई रोट इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल को मान लेते हैं सिक्सटी लैक्स एंड को मान लेते हैं फोर लैक्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की वैल्यू लेटेस्ट से एट लैक्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन इज टू लैक्स करंट लाइबिलिटी में लेटेस्ट टेक शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बोरोज वन लाख ट्रेड पेबल्स एज थ्री लाख अदर करंट लाइबिलिटीज एज ट्वेंटी थाउजेंड एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन मान लेते हैं एटी थाउजेंड ट द टोटल कम्सटी फोर लैख टी फोर सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव एंड थ्री इज सेवेंटी एट एंड टोटल इज सेवनटी नाइन लैक्स डेफिनेटली ये टोटल अगर सेवनटी नाइन लैक्स है तो असेट का टोटल भी कितना होना चाहिए सेवनटी नाइन लैक्स टैंजेबल असेट बोले या प्रोपर्टी प्लांट एंड एकजेबल बोले या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इन ट्जेबल असेट बोले मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू फोर्टी लाख है एंड इन ट्वेंटी लैक्स नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को मान लेते हैं टेन लाख फोर्टी फिफ्टी सिक्स सेवेंटी हो गया नाइन लाख में इन सबको अप्रोप्रिएट कर देते हैं करंट इन्वेस्टमेंट्स को वन लाख ले लेते हैं इन्वेंट्री को टू लाख ले लेते हैं ट्रेड रिसीवेबल को थ्री लाख ले लेते हैं कैश एंड कैश इक्वल को वन लाख ले लेते हैं तो इट इज थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन टू लैख और बचा टेकिंग दिस एज वन फिफ्टी एंड अदर कर वॉट इज द टोटल ऑफ कैपिटल इम्प्लॉयड योर आंसर वुड बी सिक्सटी फोर लैख एंड आप एड ,00 कर देंगे इसमें अपना टेन लाख ,00 रुपीज ये वाला तो so आपका आंसर जो आएगा बच्चों दैट वुड बी सेवेंटी फोर लैक्स एंड टोटल डेट की अगर आपसे बात की जाए तो इन सब को आप एड करेंगे इट्स एंड लाख आएगा आपका टोटल डेट चिल्ड्रन लॉजिक समझ में आ गया और करंट लाइबिलिटीज का जो टोटल है इट इज सो कॉल्ड फाइव लाख रुपीज ओनली तो अब अगर आपको क्वेश्चन में एनी हाउ बता दिया जाए असेट साइड का टोटल प्लीज बी सुपर अटेंटिव टू दिस असेट का टोटल आपको बता दिया जाए एंड क्वेश्चन आपको टोटल डेट दे दे 15 लाख का कैपिटल इंप्लॉयड आपको बता दिया गया 64 लाख प्लस 1074 लाख आई रिपीट चलो आई रिपीट क्वेश्चन टेल्स यू द असेट टोटल सेवेंटी नाइन लैख सेवेंटी फोर लाख आपको बता दिया गया व्हाट इज कॉल्ड एज कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल एम्प्लॉयड और आपको करंट रेशियो निकालने के लिए क्वेश्चन में करंट असिट्स भी सारी की सारी दे दी गई हैं बट व्हाट इज हिडन इज करंट लाइबिलिटी तो क्वेश्चन अराइजेस कि हम करंट लाइबिलिटी को फाइंड आउट कैसे करेंगे सिंपल है एकदम आपको क्या क्या पता है जल्द सेवेंटी फोर सॉरी सेवेंटी नाइन लाख ये पता है अगर ये सेवेंटी नाइन है तो डेफिनेटली ये भी सेवेंटी हो गया सेवेंटी फोर इतने सेक्शन का टोटल है चिल्ड्रन इट और ग्रैंड टोटल टोटल इज फ्रॉम द तो रिमेनिंग कितना आएगा फाइव लाख और करंट असेट भी आपको यहाँ पे सब दी हुई हैं तो आप करंट रेशियो निकाल लेंगे कि नहीं तो पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें तीन है बस फॉर्मूला मीनिंग जो थ्योरी में लिखने को आएगा और ये दो चीजें चिल्ड्रन स्टेटमेंट ऑफ पी एल एंड बैलेंस शीट ये अगर आपने पढ़ लिया तो आपको कहीं भी किसी भी चीज को कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आएगी ही नहीं फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियरली अंडरस्टूड और नॉट लॉजिकलीस चलिए प्लीज अपडेट दिस एक और एग्जाम्पल लेते हैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि डेट इक्विटी रेशियो निकालना है फॉर्मूला इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड अट का टोटल दे रहा है क्वेश्चन बता देगा कि आपकी करंट लाइबिलिटी कितनी है एंड नॉन करंट लाइबिलिटी कितनी है दैट सेट यू आर नॉट प्रोवाइडेड विद होल्डर फंड क्वेश्चन है कि सर डिनोमिनेटर कहां से लाएंगे न्यूमिनेटर वैल्यू तो ऑलरेडी हमको दी हुई है इफ टोटल ऑफ डेफिनेटली सेम वुड बी द टोटल ऑफ लाइबिलिटी ये है ये फाइव आपको पता है तो इन दोनों का टोटल कितना हो गया सेवेंटी फोर नॉन करंट लाइबिलिटी भी आपको टेन लाख पता है तो ये कितना हो गया सिक्सटी फोर आगे आंसर की नहीं तो बस पांच लाइनें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले लिखनी है शेयर होल्डर ंट लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी फॉलोड बाय टोटल नॉन करंट करंट्स फॉलोड बाय टोटल पंचायत होने को यही बोलते हैं बस ये पांच आइटम्स आप लिख लीजिए वर्किंग नोट में व्हाट्स एवर थिंग्स आर गिवेन प्लॉट इन फ्रंट ऑफ रिस्पेक्टिव डेटा यू विल गेट द मिसिंग आइडेंटिटी दैट यू है रेशियोस सुनाई पड़ गई थी अपडेट दिस फिर कुछ चीजें बता दूं जिसमें आप गलती करते हैं तो गलती हो ना आपसे चलिए मूविंग अहेड चिल्ड्रन मूविंग अहेड सो आई होप सो एवरीबडी अंडरस्टूड दिस फिन एंड कॉम्पोजेशन कैसे हम कैलकुलेट करते हैं चीजों को okay. चलिए तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं आपको ताकि आप गड़बड़ी ना करें रेशियोज में बच्चों करंट असेट जब हम कंसिडर करेंगे तो इन्वेंट्री में सिर्फ और सिर्फ वील बी टेकिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स रॉ मटीरियल फिनिश गुड्स सेमी फिनिश फिनिश एंड रॉ मटेरियल स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट एंड लूज टूल्स करंट असेट होते हैं बैलेंस शीट के लिए रेशियो एनालिसिस में ये नहीं आते करंट असेट्स की कैटेगरी में लॉजिक अंडरस्टूड वेल करंट लाइबिलिटीज में आप प्रोविजन लेते हैं बट प्रपोज डिविडेंड नहीं लिया जाएगा लास्ट ईयर का लेना है करंट ईयर का नहीं लेना है ये बात याद रखनी है आपको वॉट इट एंड वेन यू कंसिडर करंट असेट्स अगर अदर करंट असेट में कोई अनरिटर्न ऑफ लॉसेज नजर आ रहे हैं तो आपको इसको भी कंसिडर नहीं करना बिकॉज इनकी रियलाइजेबल वैल्यू कुछ भी नहीं होती है सिमिलरली अगर हम क्विक रेशियो की बात करें तो क्विक रेशियो में वील बीसिडरिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंस बिकॉज इनवेंट्री कन्वर्ट बहुत स्लोली होगी कैश में और प्रीपेड एक्सपेंस कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा एंड बोथ इन रेशियो रेशियो एंड क्विक चिल्ड्रन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट इसको आप माइनस करेंगे Got it clear? After, अगर हम बात करें अपने डेट इक्विटी रेशियो की कैटेगरी के चलन ये फॉर्मुले मैंने यहाँ पे ढेर सारे लिखे दस दस ग्यारह ग्यारह फॉर्मुले आपको मैंने ड्यूरिंग द सेशन लिखवाए थे टोटल बकवास है कोई फायदा नहीं है बस सीक्वेंस याद रखिएगा क्योंकि फॉर्मुले कभी याद होंगे ही नहीं आपको कभी नहीं याद होंगे बस आप वर्किंग नोट को एज अ सीक्वेंस ड्रॉ कर दीजिएगा सीक्वेंस को एज अ वर्किंग नोट जो वैल्यू पता है प्लॉट कर दीजिए डेटा एक्स मान लीजिए जो अनोन है यू विल गेट योर आंसर ओके देर आफ्टर जब आप बात करते हैं शेयर होल्डर फंड्रन तो शेयर होल्डर में वी टेक एन आइटम टाइटल्ड एज रिजर्व्स एंड सरप्लस इसमें अनरिटर्न ऑफ लॉसेस को माइनस करने के बाद वैल्यू लीजिएगा अनरिटर्न ऑफ लॉसेस को माइनस करने के बाद एक्टिविटी रेशियोज की अगर हम बात करें तो एक्टिविटी रेशियोज में इन्वेंट्री टर्न ओवर एंड ऑल तो ईजी है उसमें कुछ खास नहीं है ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो की जब बात होती है एंड चिल्ड्रेन ट्रेड पेबल्स नहीं करना because वो लोग भी आपके हैं, हैं जिन पे आप उम्मीद लगाते हैं कि भाग सकते हैं वो भी तो आपको पैसा दे सकते हैं तो करंट रेशियो निकालते होगा बट ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो निकालते बात समझ में आ गई पक्का देर आफ्टर आप जब इन्वेंट्री टर्न ओवर एंड ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो कैलकुलेट करेंगे आपको कभी कभी बच्चों पूछा जाएगा वेलॉसिटी कैलकुलेट करिए तीनों में वेलॉसिटी होती है इन्वेंट्री टर्न ओवर में भी ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर में भी एंड ट्रेड पेबल टर्न ओवर में भी कैसे कैलकुलेट करेंगे इट इज वेरी सिंपल डेज में भी कैलकुलेट होती है मंथस में भी कैलकुलेट होती है एज वेल एज Weeks में भी तो आप डेज मंथ्स वीक को टर्नओवर रेशियो से डिवाइड कर देंगे बात समझ में आ गई सबको फॉर्मुला फ्रेमिंग टेक्निक्स आर वेल अंडरस्टूड चलिए तो कल वाले लेक्चर में हम अपने न्यूमेरिकल से सोल्व करेंगे बात समझ में आ गई चलिए दट सोल्व फॉर टुडे